अच्छा, मैं अपने दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत हूँ। तो आज सुबह सुबह बारिश हुई और मौसम बहुत मज़े का बना हुआ है। तो मैं तो अभी डेरे पे जा रहा हूँ, जैसा कि आवास आज आखिरी दिन है, बस कल जानवर चले जाएंगे। तो मैं आज जा रहा हूँ डेरे पर सबको देखने, और आज तो मेरा दिन यहाँ पर सारा गुजरेगा। चलो चलते हैं, आते तो चले यहाँ पर आते हैं। तो एक ये बकरा है, ये तो मेरे मामू का, ये कभी कभी मारता भी है, अभी तो नहीं मारा, बारिश हुई है सारे गीले हुए हैं। फिर इधर आओ, ये हाजी साहब का बेड़ा है, इतना से इतना मारता नहीं है, थोड़ा शरीफ सही है। आज सारे शरीफ होंगे क्योंकि बस आज इनका आखिरी दिन है। इधर तो मैं आगे पास ही गया हूँ। अब ये बेड़ा हमारा हाथ नहीं रहा, ये मारते लाते हैं। चलो सैर शुरू करते हैं। पहले इस साइड पे पहले ये एक बेड़ा, पता नहीं, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन ये साइड थोड़ा सा डर दे रहा है मुझसे, तो थोड़ा डरता ही है। ये मेरे ख्याल से धनी नस्ल का है, नस्ल मुझे नहीं चीज़ पता। ये साहिवाली नस्ल है, सयान का बेड़ा है। इस बेचारे को तो मोशन हुए हुए थे पहले, अब ये भी डरता है। अब यहाँ से आके चलो, इधर हमारा बेड़ा आता है, ये तो फतेह जंगी नस्ल का है और ये मारता ही बहुत है, बहुत गुस्से वाला है। अभी ये हट नहीं रहा रास्ते से कि मैं आगे जाऊँ, मुझे ही मार देगा। जो मुझे इसके लिए कोई डंडा ही लेना पड़ेगा जैसे इसको मैं भगाऊं। ये मिल गया, कल रात को आया था। ये है दजंगी नस्ल का शायद है, ये उन्होंने लिया है। वो एक मंडी का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने 3 लाख का लिया है ये, सही है। और ये वाला पता नहीं किसका, ये भी मुझे नहीं पता, ये शायद अभी किधर सुबह आया है। ये वाला हाजी साहब का मैंने पहले भी बताया है, ये 180 का है, नस्ल मुझे इसकी नहीं पता। इस साइड पे फिर ये दो जोड़ी बकरे हैं, और वो आगे जोड़ी है, और ये हमारा बकरा बेचारा वो हो गया वैसा, अभी थोड़ा सही है, लेकिन इसकी आप हालत है कि क्या करता है। ओए, दूसरे पिंजरे से बाहर निकल गए, उस साइड भी बंधा हुआ था और इधर आ गए। फिर यहाँ पर भी, फिर ये बकरा, ये तो बहुत ही अच्छा बकरा है, कुछ भी नहीं कहता। इधर आऊँगा मामू, कल ईद वाले दिन एक और लेकर आएंगे यहाँ पर, तबाह हो शायद, मुझे ही ना मारने लग गए सारे मिलके। चलो उधर जा, इतना गंदा है ना इस पिंजरे से, उस वाले से, इतनी ही जगह से बाहर निकला है। ओए गंदा, फिर आवाजें भी ऐसी निकालते, हटो मैं यहाँ से जाऊँ। ये वाला रैपा लोगों का, मुझे तेरा पकड़ना, मैं भी आऊँ, थोड़ा आगे करो उसमें, हटना चल ना। वो भी उनको पानी शानी पिलाएगा और खाना फिर देगा, फिर आएगा। इसे क्यों खिला रहे हो? जब तक मेरी थी इसको क्यों खिला रहे हो? उमेश भाई तो गुड़ खिलाओगे, पेड़ खाएगा? खल तो डाला इसके खाने में, तब खाएगा ना। खल डाली,
आगे करो इसको, आगे करो, मैं बुलाता हूँ। अभी इन दोनों के आप काम कर देख सकते हैं, ये छोटा सा बकरा है लेकिन इस भेड़ के साथ ये लड़ाइयाँ करने के लिए जा रहा है। ये देखें जरा, भेड़े के साथ लड़ाइयाँ करें, इसका साइज देखें और भेड़े का साइज देखें, दोनों आपस में लड़ाइयाँ करते रहते हैं। पानी भी नहीं पी रहा ओए। मजा आया नहीं आया तो ना आए। आवाज आ रही होगी ना? पकड़ा दे मुझे आराम से, तेरी ऑटो ऑटो तेरे बारे में दोबारा लात मार दी आज, पर मैं दोबारा भाग गया। उसको पता नहीं उसका चढ़ा है, मैं पीछे से गुजरता हूँ ना अपने बेड़े के पास आने के लिए, तो हाँ भागो आ जा 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 गुड़ तो खिला दो। ये ले खिला दो इसके मुंह से निकले शुका शुका मिस्टर टिंडू का शुके फ्लाइंग गुडिंग गुडिंग एंड गुडिंग आई नो ये डरते हैं वैसे कौन ये नहीं और ऐसे खिलाते हैं ए वो तो प्रैक्टिस भी है वो बड़ी तेज है वो बाहर निकाल रहा है कह रहा है वो हम वीडियो में दिखाएंगे नहीं नाम दिखाई जा रहा है आप आहा शुका वेरी गुड परे कर लो यार। अच्छा अच्छा पागल तो नहीं है क्या? हम वीडियो बना रहे हैं इधर की, इधर ने कैमरे ओ निकले वो भी है। जख्म पे तो ना लगा उसने अशरफ ये तो खाली अभी ना भाग रहा तो मतलब टाइम इधर फेस पे लगा उस और मामा स्किन उतरी ना उधर
उसके पेट में सींग मारा था। मैम आप नजर भी नहीं आओगे, छोड़ दो आप, वहाँ बीच में आओगे। आ ना, क्यों निकल गया? केल पकड़ो हैदर ने पकड़ लिया। किधर जा रहे हो? क्यों? हमारा वेड़ा कौन संभालेगा? ऊंचा बांध दो ना अशरफ, वो बैठे ना गंदा हो जाएगा, अभी गीला है ना सारा, ऊंचा थोड़ा बांध दो।
काम बढ़ा है।